you good afternoon students today i am going to teach you about degrees so let's continue degrees of comparison there are three degrees of comparison in english the first one is positive degree second one is comparative degree

For examples, look at the second one. Example The house is big. How is the house? The house is big. Second one, this flower is beautiful. How is the flower? The flower is beautiful. Okay, students. The next one is comparative degree. When we use the comparative degree, when we compare. टू पर्सन और टू थिंग्स विथ ईच अदर इसका मतलब होता है जब हम दो चीज़ों के बीच में कॉम्पेरिजन करते हैं डिफ्रेंस बताते हैं तो वहाँ पर हम कॉम्पेरेटिव डिग्री लगाते हैं ओके लुकेट द एग्ज़ाम्पल दिस हाउस इज बिगर दैन दैट वन मतलब ये जो मेरा घर है वो सामने वाले घर से बहुत बड़ा है सेकेंड वन शी इज़ नाइसर दैन हेम इसका मतलब है कि वो जो लड़की है शी सामने वाले लड़के से बहुत अच्छी है इट मीन्स यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए कॉम्पेरिजन कर रहे हैं डिफरेंस बता रहे हैं सो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्पेरेटिव द नेक्स्ट वन इज़ सुपरलेटिव डिग्री वैन वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री वी हैव टू कंपेरिजन बिटवीन मोर देन टू थिंग्स पर्सन विद वन अनादर इट इज़ द हाइस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी इट मीन्स ये सबसे बड़ी तरह का डिग्री होता है हाइएस्ट क्वालिटी का डिग्री होता है और इसके एंड में हम वर्ल्ड के मैक्सिमम टाइम ई एस टी ही लगाते हैं ओके okay? चलो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं फर्स्ट वन है पीटर इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास इट मीन्स पूरे क्लास में जो स्टूडेंट है पीटर वो सारे बच्चों से बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है मतलब कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है पीटर और क्लास के अदर बॉयज के साथ द ब्लू वेल इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स यहाँ पे बता रहा है कि जो ब्लू वेल है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एनिमल है रेदर देन अदर एनिमल्स सबसे बड़ी होती है ये ओके स्टूडेंट सो लेट्स मूविंग अ और कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन में बेस्ड होते हैं लुक एट दिस पिक्चर्स यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में बता रहे हैं द एप्पल इज बिग इट इज़ ओनली एडजेक्टिव एक एप्पल है जो बड़ा है सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव बट वेन वी गोइंग ऑन द सेकेंड वन इट इज़ बिगर इट मीन्स दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि जो सेकेंड वाला है फर्स्ट और थर्ड के से भी बड़ा है बिगर इगार ER लगा हुआ इट मीन्स ये कॉम्पेरेटिव है थर्ड वन है हाइएस्ट इट मीन्स ये सबसे ज्यादा बड़ा है तीनों एप्पल से भी और बड़ा है तो तीनों के बीच में कॉम्पेरिजन हो रहा है इसलिए इसे सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ लुक एट अदर एग्जाम्पल्स हेयर आर गिवेन द पिक्चर्स ऑफ अदर काइंड ऑफ बर्ड्स द फर्स्ट वन इज स्मॉल पहला वाला सिर्फ छोटा है लेकिन जो छकेंड वाला है वो उससे भी छोटा है इसलिए हम लोगों ने स्मॉलर लगाया क्योंकि वो फर्स्ट और थर्ड से कंपेयर किया जा रहा है जो तीसरा है इंसेक्ट वो सबसे छोटा है इसलिए उसका कम्पेरिजन फर्स्ट और सेकेंड वाले से हो रहा है दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड डिग्री ऑफ कंपेरिजन हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स विच

लेकिन जो थर्ड वन है वह और ज़्यादा अच्छी है इसे उसे इसीलिए उसे सुपरलेटिव में काउंट किया जाता है थर्ड नंबर देखते हैं वाइट एक सिंपल सा शूज़ है जो सिर्फ सफ़ेद है वाइट है बट सेकेंड इज वाइटर मतलब उससे भी ज़्यादा सफ़ेद है इसलिए हम लोगों ने ई आर लगाया थर्ड वन इज़ वाइटेस्ट मतलब इन दोनों से ज़्यादा वाइट कौन सा है द लास्ट वन वाइटेस्ट इसलिए वहाँ पे ई एस टी लगा है ओके okay, स्टूडेंट्स

ब्लूअर बट थर्ड वन उन दोनों से